हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन RP IIT मेडिकल कैंपस बस्ताड़ा करनाल। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स हैं विच आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो मैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होंगे जो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे या फिर उनकी ग्रोथ को क्या है, इनहिबिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। एनी एजेंट्स विच आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआज एटसेट्रा। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे ऐसे एजेंट्स हैं जो किल करेंगे माइक्रोब्स को या फिर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट आती है इसकी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स। जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, जर्मिसाइड्स एंड क्रोटोलाइटिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एजेंट्स विच प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन अप्लाइड टॉपिकली एट डैमेज्ड टिश्यू। जब हम किसी भी डैमेज्ड टिश्यू पे उसे टॉपिकली अप्लाई करेंगे तो वो प्रिवेंट करेगा हमारे इन्फेक्शन को बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर एंटीसेप्टिक एजेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स एनी एजेंट्स विच किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अपॉन अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक इक्विपमेंट्स एंड रूम एटसेट्रा। जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं इनको हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो कोई भी इक्विपमेंट्स हो सकता है, रूम्स हो सकते हैं, मीन्स हम जो डस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। जो इनका मैकेनिज्म रहेगा वो भी सेम होएगा, या तो वो किल करेंगे माइक्रोब्स को या फिर इनहिबिट कर देंगे उनकी ग्रोथ को। दीज आर मोर पोटेंट देन एंटीसेप्टिक्स। ये जो है डिसइंफेक्टेंट हमारे जो हैं वो एंटीसेप्टिक से क्या होते हैं, मोर पोटेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे जर्मिसाइड्स। जर्मिसाइड्स आर द एजेंट्स विच किल माइक्रोब्स। जर्मिसाइड्स भी क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स को किल करते हैं। जो हमारे जर्मिसाइड्स हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है बैक्टेरिसिडल एजेंट्स। बैक्टेरिसिडल एजेंट्स आर दोज विच किल बैक्टीरिया। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फंजाइसिडल। फंजाइसिडल क्या होते हैं, द एजेंट्स दोज किल द फंगस। जो फंगस को किल करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फंगाइसिडल। बैक्टीरियोस्टेटिक आर द ड्रग्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट डज नॉट किल बैक्टीरिया। जो हमारे बैक्टीरियोस्टेटिक है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो इनहिबिट कर देंगे लेकिन उनको किल नहीं कर पाते। जो सो बैक्टीरियोस्टेटिक्स आर द ड्रग्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट किल बैक्टीरिया। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन अ प्रोसेस दैट किल्स और रिमूव माइक्रोब्स, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेटेड मटीरियल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री मटीरियल। सो स्टरलाइजेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो या तो किल करेगा या फिर रिमूव कर देगा माइक्रोब्स को। नेक्स्ट इसमें हमारे आते हैं कैरेटोलाइटिक एजेंट्स। कैरेटोलाइटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट अप्लाइड ऑन द स्किन टू सॉफ्टन द कैरेटिन। सो हमारे कैरेटोलाइटिक एजेंट्स हमारे ऐसे एजेंट्स हैं जिसको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं टू सॉफ्टन द कैरेटिन, कैरेटिन को सॉफ्ट करने के लिए। इसके हमारे जो एग्जांपल आते हैं, फर्स्ट आता है सल्फर, सेकंड आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारी स्किन दिखाई गई है, इसके सभी पार्ट्स हैं। इसके कैरेटोलाइटिक एजेंट्स के एग्जांपल होते हैं सल्फ़र एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे जो कैरेटोलाइटिक हैं फर्स्ट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हमारे सरफेस ऑयल्स को। जो हमारी स्किन के सरफेस पे ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं उसको पहले वो रिमूव करेंगे, देन वो इनक्रीज़ करेंगे मॉइस्चर बाइंडिंग कैपेसिटी को, यूज़फुल इन ट्रीटनिंग
ड्राई स्किन कंडीशन, जो हमारी ड्राई स्किन कंडीशंस होती हैं, ड्राई स्किन हो जाती है जिन कंडीशंस में, तो वो इंक्रीज़ क्या करते हैं, मॉइस्चर बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, या फिर रिमूव स्कार फ्रैगमेंट्स ऑफ केराटिन, जो हमारा केराटिन प्रेजेंट होता है उसके जो स्कार फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं इट्स यूजेस। दीज आर यूज टू ट्रीट सोरियासिस, इनको हम सोरियासिस में यूज़ करते हैं, एक्ने में यूज़ कर सकते हैं, वार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड अदर फॉर्म ऑफ केराटोसिस या फिर केराटोसिस की अदर फॉर्म्स में हम यूज़ करते हैं। तो सोरियासिस, एक्ने, वार्ट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ केराटोसिस में हम केराटोलाइटिक एजेंट्स को यूज़ करते सकते हैं। थैंक यू।